हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो के साथ आ गया हूँ। जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रैफिक की आवाज हम में से हर कोई हर रोज सुनता है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार बैंगलोर दुनिया का सेकंड मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड शहर है। पीक टाइम्स पर यहाँ ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत होती है कि 5 किलोमीटर ड्राइव करने में ऑन एवरेज 18 मिनट 40 सेकंड का समय लग जाता है। ये स्टैटिस्टिक इतनी कमाल की है क्योंकि अगर आप साइकिल पर जाओगे ना 5 किलोमीटर, तो इससे कम समय लगेगा। लेकिन ये बात सिर्फ बैंगलोर की नहीं है, इंडिया के सभी बड़े शहरों की यही कहानी है। ये ट्रैफिक, टाइम वेस्ट, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का ये एक ऐसा बड़ा हिस्सा है जिसकी बहुत कम चर्चा करी जाती है कि कैसे हमारे शहरों की हालत बहुत खराब है। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम्स का एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, गाड़ियों को बैन करना। कुछ भी मजाक नहीं कर रहा, ये एक एक्चुअल सॉल्यूशन है जिसे कई डेवलप्ड देशों के शहरों में ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जाने लग चुका है। और मेरा मानना है कि इंडियन शहरों में इसकी इफेक्टिविटी और भी ज्यादा होगी। आइए आज के वीडियो में इन सारी प्रॉब्लम्स को और सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखते हैं। आखिर क्या कारण है हमारे शहरों में हो रही एयर पोल्यूशन के पीछे। दिल्ली की बात करी जाए तो ब्लेम अक्सर हरियाणा और पंजाब की पराली बर्निंग पर डाला जाता है, खेतों में जो आग लगाई जाती है। ये नो डाउट एक बहुत बड़ा सोर्स है एयर पोल्यूशन का। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की 2022 की स्टडी के अनुसार लोकल सोर्सेज की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में वेहिकुलर एमिशन का है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, 51% एयर पोल्यूशन इसकी वजह से हो रही है दिल्ली में। इससे पहले 2018 में जो स्टडीज करी गई थी ARAI और टेरी के द्वारा, उन्होंने भी मोटर व्हीकल्स को बड़ा जिम्मेदार ठहराया था। और ये तो सिर्फ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। अगर हम CSE की 2022 वाली एनालिसिस देखें तो उन्होंने कहा है 4% एयर पोल्यूशन रोड डस्ट से आया है, 7% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से आया है। ये चीजें भी इनडायरेक्टली गाड़ियों से ही रिलेटेड है। रोड डस्ट सड़कों से आता है, कंस्ट्रक्शन में अक्सर हाईवेज और सड़कों की कंस्ट्रक्शन बहुत होती है। अब यही सेम कहानी दोस्तों और भी ज्यादा वैलिड है बाकी इंडियन शहरों के लिए, जैसे कि मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता, जहां पर स्टबल बर्निंग का इश्यू एग्जिस्ट नहीं करता। गांव कनेक्शन के इस आर्टिकल को देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है मुंबई में एयर पोल्यूशन के पीछे। और अब अगर बात एयर पोल्यूशन से हटके नॉइस पोल्यूशन की करी जाए तो पिछले साल यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट निकाली थी दुनिया के नॉइजीएस्ट शहरों की। और ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा आपके लिए देखना कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, दुनिया के नॉइजीएस्ट शहर मोस्टली इसी रीजन में पाए जाते हैं। नंबर वन पर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नॉइजीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर टू पर उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद। और क्या कारण इसके पीछे, एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया मोटर व्हीकल्स नंबर वन सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का शहरों में। ये आप पर्सनली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी हॉर्न बजाने की आवाज हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के शहरों में सुनाई देती है, उतना दुनिया के किसी और रीजन में इतनी हॉर्न की आवाज नहीं सुनाई देती। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे एयर पोल्यूशन हो या नॉइज पोल्यूशन, यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मोटर व्हीकल्स और गाड़ियों का। क्या किया जाए? कई लोग सॉल्यूशन बताते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दें हम। लेकिन एक नजर अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज पर डालें तो आपको दिखेगा कि शायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सॉल्यूशन नहीं है। इस रिपोर्ट को देखिए, 2023 की यूके की रिपोर्ट है। इसके अनुसार यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला धुआं अब मेन सोर्स नहीं रहा एयर पोल्यूशन का। मेन सोर्स एक्चुअली में अब है टायर डस्ट। 52% स्मॉल पार्टिकल पोल्यूशन जो हो रहा है रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, वो एक्चुअली में टायर और ब्रेक वेयर से हो रहा है। गाड़ी जब रोड पर चल रही है तो रोड के रब होने से जो रोड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में बन के एयर पोल्यूशन बनते हैं। और इसके बाद आता है एग्जॉस्ट से निकलने वाला धुआं, जो कि सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन है उसका एयर पोल्यूशन में। है ना ये कमाल की चीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इस्तेमाल करेंगे तो ये सिर्फ 15% वाला ही पोल्यूशन कम होगा। टायर डस्ट, ब्रेक वेयर और रोड एब्रेशन का एयर पोल्यूशन अभी भी उतना ही रहेगा। यही कारण है दोस्तों कि पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन देखने को मिला था, कई शहरों में हवा इतनी साफ हो गई थी जितनी पिछले कई दशकों में नहीं हुई थी। नेपाल के शहर काठमांडू में लोगों ने कई दशकों बाद शहर से ही माउंट एवरेस्ट का नजारा देखा। फिलीपींस के शहर मनीला में भी ऐसा ही कुछ हुआ, वहां की एक फेमस पहाड़ी दूर से दिखाई पड़ गई। स्पेन में बार्सिलोना की सड़कों पर जंगली सुअर घूमते हुए दिखाई दिए। सैन फ्रांसिस्को में कोयोट्स दिखाई दिए।
व्हाइट हाउस के पास हिरन ग्रेस करते हुए मिले। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि गाड़ियां गायब हो गई थी शहरों से। इंडियन शहरों में भी ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन देखने को मिला PM2.5 लेवल्स का लॉकडाउन के दौरान। अब तीसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि है ट्रैफिक। क्या है ट्रैफिक और क्यों होता है ट्रैफिक? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि छोटी सड़कों की वजह से ट्रैफिक होता है या फिर खराब सड़कों की वजह से ट्रैफिक होता है, लेकिन मैं कहूंगा ट्रैफिक होता है गाड़ियों की वजह से। खुद ही सोचकर देखिए, ट्रैफिक एक्चुअली में है क्या? ट्रैफिक एक कलेक्शन है गाड़ियों का, टू व्हीलर्स का, बसों का और ट्रकों का। और नंबर वन रीजन ट्रैफिक के पीछे है एक्चुअली में इन सब में से गाड़ियां, क्योंकि गाड़ियां कुछ ज्यादा ही स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं सड़क पर। इस बात को विजुअलाइज करने के लिए एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में 5 अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाए गए हैं। लेफ्ट से शुरू किया जाए तो गाड़ियां, बसें, ट्रेन, साइकिलें और पैदल चलना। ये वीडियो हमें दिखा रहा है कि अगर हमें 200 लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है तो कितनी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। 200 लोग अगर पैदल चल के जाए तो इतनी छोटी सी जगह ही काफी है। ट्रेन या मेट्रो का इस्तेमाल करें तो एक ट्रेन या एक मेट्रो ही काफी है। बसों में बैठ कर जाएं तो सिर्फ 9 बसों में फिट आ जाएंगे। लेकिन अगर यही 200 लोग गाड़ियों में बैठ कर जाएं तो देखिए कितनी ज्यादा और स्पेस की जरूरत पड़ रही है। सड़कों को कितना ज्यादा और चौड़ा बनाना पड़ेगा, कितनी ज्यादा और सड़कें बनानी पड़ेंगी सिर्फ गाड़ियों को अकोमोडेट करने के लिए। और इंडिया के शहर जहां पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वहां ये इशू और भी ज्यादा क्रिटिकल बन जाता है, क्योंकि स्पेस की इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हम अपने शहरों में स्पेस का इस्तेमाल करें पार्क्स, गार्डन्स और लोगों के चलने की अच्छी जगह बनाने के लिए, या फिर उस जगह का इस्तेमाल किया जाए गाड़ियों के लिए सड़कें बनाने में? सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारे शहरों में लोग गाड़ियों की जगह बसेस का, मेट्रो का, साइकिलों का या पैदल चलने का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ट्रैफिक उतना ही कम होगा हमारे शहरों में। और जितने ज्यादा लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज्यादा सड़कें बड़ी करने की जरूरत पड़ेगी और उतनी ही कम जगह बचेगी बाकी और चीजों के लिए। अब एक कमाल का डेटा आपको दिखाता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से लेकर 2021 के बीच में कंडक्ट किया गया था। इस सर्वे के अनुसार देश भर में सिर्फ 8% परिवारों के पास अपनी गाड़ियां हैं। इमेजिन कर सकते हो ये नंबर, सिर्फ 8% लोग इंडिया में गाड़ियां ओन करते हैं और तब इतनी बुरी हालत है ट्रैफिक की सड़कों पर। सोचो ये नंबर अगर 8% की जगह है अब 50% 60% पर पहुंच जाए तो कितनी और गाड़ियां हमें अपने शहरों में देखने को मिलेंगी, कितनी और सड़कें उनके लिए बनानी पड़ेंगी और कितनी बुरी हालत होगी ओवर क्राउडिंग और ट्रैफिक और एयर पोल्यूशन जैसी चीजों की। इसी सर्वे के अनुसार 50% से ज्यादा हाउस होल्ड हमारे देश में साइकिल ओन करते हैं और 50% से ज्यादा एक मोटरसाइकिल या टू व्हीलर भी ओन करते हैं। ये चीजें काफी अच्छी खबर है इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि साइकिलें और मोटरसाइकिलें उतनी ज्यादा स्पेस नहीं लेती। वापस से एक बार उस कंपैरिजन वाले वीडियो को देख लो, 200 लोगों को इधर से उधर ले जाना है तो कितनी स्पेस ली जा रही है साइकिलों के द्वारा। अब ये स्पेस की प्रॉब्लम और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है जब आप इस चीज पर ध्यान दो कि गाड़ियां एक्चुअली में इस्तेमाल कितनी करी जाती हैं। स्टडीज के अनुसार प्राइवेट गाड़ियों की बात करी जाए तो उनका इस्तेमाल सिर्फ 5-6% टाइम ही किया जाता है। 95% टाइम्स गाड़ियां सिर्फ पार्किंग में खड़ी रहती हैं, या तो घर में पार्किंग में खड़ी रहेंगी गाड़ियां या फिर ऑफिस में पार्किंग में खड़ी रहेंगी। यानी खाली गाड़ियां एक्चुअली में और भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं एज कंपेयर टू गाड़ियां जो सड़कों पर चल रही हैं। एक प्राइवेट कार को आप एक टैक्सी से कंपेयर करो। आमतौर पर एक परिवार अपनी गाड़ी को कितना इस्तेमाल कर लेता होगा एक दिन में, 3 घंटे के लिए एक घर से ऑफिस जाने के लिए या घर से कहीं शॉपिंग करने जाने के लिए। 24 घंटे में से बाकी 21 घंटे वो गाड़ी पार्क्ड रहती है, या तो घर में या कहीं ऑफिस में या कहीं और पर। लेकिन एक टैक्सी दूसरी तरफ कम से कम 8-12 घंटे घूमती रहती है, ऑपरेशन में रहती है, लोगों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो इस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पता लगेगा कि एक शहर में जो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है प्राइवेट गाड़ियों की वजह से। अब चौथी प्रॉब्लम है फ्लडिंग की। आपने अक्सर पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा बारिश के मौसम में हमारे शहरों की जो सड़कें होती हैं वो अक्सर नदियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होना, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि शहरों में पानी के अंदर जाने की जगह ही कम होती जा रही है। जितना ज्यादा कॉन्क्रीट बिछाया जाएगा जमीन पर, जितनी ज्यादा सड़कें बिछाई जाएंगी, पानी वहां से जमीन के अंदर तो फ्लो कर नहीं पाएगा। बारिश का पानी तभी ग्राउंड वाटर में जाएगा जब ऊपर मिट्टी हो, घास हो या कोई भी नेचुरल लैंडस्केप हो। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि शहरों के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बनाना, हाईवेज, फ्लाईओवर्स बनाना, उससे फ्लडिंग के चांसेस हमेशा बढ़ेंगे ही। फिर एक पांचवी प्रॉब्लम है रोड एक्सीडेंट्स की। इंडिया में अगर आप मर्डर की स्टैटिस्टिक्स देखोगे एनसीआरबी के 2021 के डेटा के अनुसार, हर दिन ऑन एवरेज इंडिया में 82 मर्डर्स हुए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन आप देखो कि कितने लोग हर दिन ऑन एवरेज रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। ये नंबर है 422 डेथ्स हर दिन, यानी 5 गुना ज्यादा लोग एक्चुअली
दिल्ली में रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं हमारे देश में हर दिन, एज कम्पेयर टू जितने लोग मर्डर्स में मारे जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, ओवर स्पीडिंग, ड्राइविंग करते हुए डिस्ट्रैक्शन होना, ड्रंक ड्राइविंग, लेकिन इन सभी कारणों के पीछे रूट कॉज है गाड़ियां। जितना लोग गाड़ियों के जरिए कम ट्रैवल करेंगे उतना ही ये एक्सीडेंट्स के रेट कम हो जाएंगे। रोड ट्रैफिक इंजरीज दोस्तों 8th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है दुनिया भर में। ऑलमोस्ट 14 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं इसकी वजह से, लेकिन मीडिया में इसकी कभी बात नहीं होती तो लोगों को इसकी कभी चिंता लगती ही नहीं है। एक आम आदमी का एक रोड एक्सीडेंट में मारे जाने का एक्सपोनेंशियली ज्यादा चांस है एज कम्पेयर टू बहुत सारे और रिस्क जिसे लोग ज्यादा समझते हैं। इमेजिन करो अगर हमारे न्यूज चैनलों पे रोड एक्सीडेंट की डेथ को उसी तरीके से कवरेज मिलती जिस तरीके से बाकी और क्राइम रिलेटेड न्यूज को मिलती है। हर शाम को खबरों में चल रहा होता, आज इस चौराहे पर ये मर गया, आज उस चौराहे पर वो मर गया, लोगों के मन में इतना डर हो जाता है कि लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते गाड़ियों में। यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि लोग इन डेथ्स को एक्सीडेंट्स मानते हैं, जबकि सच बात यह है कि आज से 300 साल पहले जब कोई गाड़ियां नहीं होती थी तो ये डेथ्स भी नहीं होती थी। और फाइनली प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट चेंज की। इस ग्राफ को देखिए, इसमें दिखाया गया है कि अमेरिका के अंदर साल 2021 में टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किन किन अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर से आए थे। ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर नंबर वन कॉन्ट्रीब्यूटर है 28% के साथ, और इस ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्ट्रीब्यूशन में गाड़ियों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है उसके लिए इस पाई चार्ट को देखिए, जो दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वर्ल्ड वाइड 2021 में। एज एक्सपेक्टेड सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पैसेंजर कार्स का 39% पर। इससे पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा कारण गाड़ियां हैं। यहाँ क्लाइमेट चेंज के टॉपिक के ऊपर अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं सजेस्ट करूंगा, क्लाइमेट चेंज अ बिगर प्रॉब्लम हिंदी में। इसमें गहराई से बात करी हुई है अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर और उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी अलग अलग टॉपिक्स पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सेल्फ हेल्प। कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल कीजिए 50% ऑफ पाने के लिए कुकू एफएम के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर, यानी 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी आपको। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा ये सब सुनकर कि भाई कहना क्या चाहते हो, देश भर में सारी गाड़ियों पर बैन लगा दिया जाए, क्या प्रधानमंत्री एक दिन आए और बोले कि आज रात 8 बजे से सभी गाड़ियां बैंड हैं? नहीं, वैसा ठीक नहीं रहेगा, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के इंस्टेंट डिसीजन से हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। नोटबंदी की तरह ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका होगा इकोनॉमी को क्रैश कराने का। ओह माय गॉड, ये एक्चुअल सॉल्यूशंस जो है दोस्तों वो स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं और कई सारे हैं। आइए एक एक करके इन सभी सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं जिससे हमारे शहरों को बेहतर बनाया जा सके और रहने लायक बनाया जा सके। सबसे पहला सॉल्यूशन है एक शहर के सबसे ओवरक्राउडेड और सबसे पॉपुलर एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए और उन एरियाज को कार फ्री बनाया जाए, यानी उन स्पेसिफिक एरियाज से कार्स को बैन किया जाए। इसका एक टिपिकल एग्जांपल हो सकता है कोई भी बिजी मार्केट जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा ट्रैफिक क्रिएट होता है और अंदर बहुत ज्यादा ओवरक्राउडिंग हो जाती है। दूसरा स्टेप होगा एक शहर में ऐसी सड़कों को आइडेंटिफाई करना जहां पर गाड़ियों का ट्रैफिक ज्यादा नहीं देखने को मिलता, उन सड़कों से गाड़ियों को बैन किया जाए स्पेसिफिकली, और उन सड़कों को पैदल चलने वाले लोगों के लिए और साइकिलों के लिए बनाया जाए। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ऑलरेडी कई सारे डेवलप्ड देश आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सॉल्व करने पर लगे हुए हैं। तो दुनिया भर के शहरों से आइए कुछ पॉजिटिव एग्जांपल्स देखते हैं इसी चीज के। पोलैंड की इस सड़क को देखिए, 2013 में यहां गाड़ियां अलाउड थी, 2022 में ये सिर्फ पैदल चलने के लिए और साइकिलों के लिए सड़क बना दी गई। एक और ऐसा ही एग्जांपल 2009 में देखिए कितनी गाड़ियां साइड में पार्क्ड खड़ी हैं, और 2023 में यहां पर पेड़ लगा दिए गए और टहलने के लिए घूमने के लिए कितनी अच्छी सड़क बन गई। ग्लासगो की सड़क को देखिए, 2016 में 3-4 लेन्स थी गाड़ियों के लिए, 2 लेन्स को हटाकर यहाँ साइकिलों के लिए लेन बनाई गई, पेड़ लगा दिए गए, सड़कें छोटी करने से शहर में जगह मिल पाई और पेड़ लगाने की। ये एक तीसरा सोल्यूशन है दोस्तों जो सुनने में काफी काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि सड़कों को तो हमें बड़ा करना चाहिए ना, लेकिन सड़कों को छोटा करना एक सोल्यूशन है। गाड़ियों के लिए सड़कें अगर छोटी करी जाएंगी तो हमें ज्यादा जगह मिलेगी पेड़ उगाने की, ग्रीनरी बढ़ेगी एक शहर में, लोगों के पैदल चलने के लिए और जगह मिलेगी। स्पेन की इस बड़ी पॉपुलर सड़क को देखिए जहां पर एक समय पर इतनी गाड़ियां आया जाया करती थी, अब लोगों के लिए कितनी कमाल की स्ट्रीट बन चुकी है। स्पेन का एक और एग्जांपल 1980s के समय में सड़क को देखिए, आज के दिन जैसे इंडिया में कई सड़कें दिखती हैं, और 2020 का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, एक शहर कितना ज्यादा सुंदर दिखने लग जाता है अगर गाड़ियों को बैन किया जाए और लोगों के पैदल चलने के लिए और जगह बनाई जाए। नेदरलैंड्स देश
देश का एग्जाम्पल देखिए, एक पूरी की पूरी सड़क से गाड़ियां बैन कर दी गई कंप्लीटली और सिर्फ साइकिलों के लिए से ओपन कर दिया गया। नेदरलैंड्स देश में बहुत किया गया है। इस वाली सड़क पर कितनी ज्यादा और ग्रीनरी लगाने का मौका मिल पाया। अगली फोटो है ये स्लोवेनिया की राजधानी लुब्लियाना से। इस ब्रिज से गाड़ियां बैन करी गई, सिर्फ लोग पैदल चलकर जा सकते हैं, तो ये भी सोचिए कि लोग कितना और ज्यादा हेल्दी रहेंगे। अच्छी खबर यह है दोस्तों कि इंडिया में भी कुछ ऐसे पॉजिटिव एग्जांपल्स मौजूद है जिनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है। जैसे कि पुणे की इस जेएम रोड को देखिए, एक पॉपुलर सड़क के सामने से गाड़ियां बैन करी गई, लोगों के चलने के लिए ज्यादा जगह बनाई गई। इतना छोटा सा बदलाव और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कितनी सुनहरी लग रही है ये सड़क अब। अगला एग्जांपल दिल्ली से देखिए, जहां पर एक बड़ा सा स्ट्रेच सिर्फ पैदल चलने के लिए और साइकिलों के लिए, और बीच में एक बड़ा सा ग्रीन एरिया जो फुटपाथ को गाड़ियों से काफी दूर रखता है, ताकि फुटपाथ पर चलते चलते इतना एयर पोल्यूशन ना आए लोकली। जो फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने बताया था उसका एक सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल दिल्ली में है, चांदनी चौक वाला एरिया। पहले उस एरिया में गाड़ी अलाउड होती थी तो पूरा जाम लगा रहता था, बिल्कुल खिसक नहीं पाते थे लोग इधर से उधर। मैं खुद वहां जब 2019 में गया था मैंने ये वीडियो बनाया था, और रिसेंटली सरकार ने उसे पूरा रेनोवेट कर दिया और अंदर के पूरे सेक्शन से गाड़ियों को बैन कर दिया, तो रिजल्ट देखिए क्या है। घूमने फिरने के लिए अच्छी खासी खुली जगह है, कम नॉइस पोल्यूशन, कम एयर पोल्यूशन, और दिखने में भी कितना सुंदर ज्यादा लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि एक शहर में जितनी ज्यादा ऐसी सड़कें देखने को मिलेंगी, उतना ही ज्यादा लोग कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा लोग और ज्यादा पैदल चलना चाहेंगे या साइकिलें चलाना चाहेंगे जब इतनी हरी भरी सड़कें होंगी। इतना कम ट्रैफिक होगा, गाड़ियों का शोर शराबा होगा। अब आप बोलोगे कि हर सिचुएशन में तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि हर जगह हर समय पैदल चल के जाया जा सके। सही बात है, इसलिए चौथा सोल्यूशन, सरकार जो पैसा अपना स्पेंड कर रही है, टैक्स पेयर का पैसा, वो गाड़ियों के लिए सड़कें बनाने में कम इस्तेमाल किया जाए बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा किया जाए। और मेट्रो की लाइनें बनाई जाए, और ट्रेन्स बनाई जाए, और बसें लगाई जाए सरकार के द्वारा। ये थोड़ा एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नियत भी सही होनी चाहिए सरकार की तरफ से। 2021 के बजट के अनुसार हमने करीब 2.2 ट्रिलियन रुपीस स्पेंड किए सड़कों की डेवलपमेंट में, जो कि हॉस्पिटल्स पे खर्च किए जाने वाला पैसा, प्लस पावर जनरेशन पर खर्च किया जाने वाला पैसा, प्लस इरिगेशन पे खर्च किया जाने वाला पैसा, प्लस रेलवेज पे खर्च किया जाने वाला पैसा, इन सबको कंबाइंड करके भी उससे ज्यादा होता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो 2001 से लेकर 2019 तक इंडिया में जो अर्बन रोड्स की टोटल लेंथ है वो कैसे बढ़ती जा रही है, हम और सड़कें बनाए जा रहे हैं। इस ग्राफ को आप इस दूसरे ग्राफ से कंपेयर कीजिए जो हमें दिखाता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ऑपरेशन इन इंडिया 1951 से लेकर 2020 तक, जितनी गाड़ियां, जितने व्हीकल्स हमारी सड़कों पर हैं वो बढ़ते रहे हैं, और ये बढ़ने का रेट भी बढ़ते जा रहा है। साथ साथ जो सड़क बनाने की स्पीड है वो भी तेजी से बढ़ती जा रही है, हालांकि उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। लेकिन इसी रीजन की वजह से आपको अपने शहर में अक्सर हर महीने दो महीने दिखता होगा कि अब यहाँ पर नई सड़क की कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ एक नया फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ एक नया हाईवे बन रहा है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि सिर्फ 8% परिवार अभी तक गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं देश। अगर हम इसी तरीके से हर किसी को गाड़ियां ओन करने को कहते गए, हाईवेज बढ़ाते रहे और बनाते रहे, तो अगले 100 सालों में भी ये कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होगी। यहाँ एक कॉन्सेप्ट का अक्सर मेंशन किया जाता है जिसका नाम है इंड्यूस्ड डिमांड। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जितनी अच्छी सड़कें होंगी चलने के लिए, साइकिलें चलाने के लिए, उतना ही ज्यादा लोग आकर्षित होंगे पैदल चलने के लिए, साइकिलें चलाने के लिए। सिमिलर इम्पैक्ट देखने को मिलता है सड़कों की कंस्ट्रक्शन को लेकर। जितना ज्यादा सड़कों को और चौड़ा बनाया जाएगा और बड़ा बनाया जाएगा, उतनी ही एक इंड्यूस्ड डिमांड देखने को मिलेगी लोगों की तरफ से, लोग ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगेंगे। यही कारण है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस जैसे शहरों में, जहां पर 10-10 लेन के हाईवेज बना दिए गए हैं, वहां पर भी ट्रैफिक कभी रुकता नहीं है। बड़े बड़े ट्रैफिक जाम्स वहां भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिंपल भाषा में कहा जाए गाड़ियां एक बहुत ही इनएफिशिएंट यूज है स्पेस का। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कुछ देशों ने बड़े ही इनोवेटिव सॉल्यूशंस अपनाए हैं, जैसे कि सिंगापुर ने, उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि हमारे देश में इससे ज्यादा गाड़ियां हम सड़कों पर होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ कुछ देश ट्राई करते हैं गाड़ियों को डिसइंसेंटिवाइज करने की, पार्किंग चार्जेस लगाकर, कि शहर के किसी भी एरिया में कहीं कोई फ्री पार्किंग ना हो, लोगों से हमेशा चार्ज किया जाए पार्किंग के लिए, इसलिए लोग अपनी गाड़ियां कम इस्तेमाल करेंगे, टैक्सीज और बसों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो कि ओवरऑल एक अच्छी चीज होगी अगर हम स्पेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो। अब अगला सॉल्यूशन है दोस्तों एक शहर के डिजाइन से रिलेटेड। खुद ही सोचकर देखिए, जब आप एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ जाने के लिए करते हैं? अपने घर से ऑफिस तक जाने के लिए, घर से स्कूल तक जाने के लिए,
या फिर शॉपिंग मॉल, बाजार या सिनेमा तक जाने के लिए। हम में से हर किसी के लिए एक गाड़ी का जो यूज होता है 95% केसेस में वो इन्हीं 3-4 चीजों के लिए यूज होता है। अब सोचकर देखिए दोस्तों, अगर यही 3-4 चीजें आपके घर के वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल हो तो क्या होगा। आपका ऑफिस आपके घर से 200 मीटर दूर हो, जहां पर आप रोज पैदल चल के जा सके। मार्केट में राशन खरीदना है वॉकिंग डिस्टेंस पर हो। कपड़ों की दुकान पर जाना है, बार्बर के पास बाल कटाने के लिए जाना है, 10 मिनट पैदल चल के जाया जा सके। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसे 15 मिनट सिटी कॉन्सेप्ट कहा जाता है और पेरिस जैसे शहर इसे आज के दिन इंप्लीमेंट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक शहर से गाड़ियों को खत्म करने का एक बड़ा आसान तरीका है कि एक शहर में ऑलमोस्ट हर चीज हर किसी के लिए सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर अवेलेबल हो, जहां पैदल चल के जाया जा सके या साइकिल चलाकर जाया जा सके। गाड़ियों का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर हम अपने इतिहास में देखें तो 15 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट हमारे इतिहास में हर जगह देखने को मिलता था। जयपुर का पुराना शहर देख लो या पुरानी दिल्ली का एरिया देख लो, वाराणसी का भी पुराना शहर वाला एरिया इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हिस्टोरिकली जो लोग इन शहरों में रहा करते थे उनके लिए हर चीज 500 मीटर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस के अराउंड अवेलेबल होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जब से हमें मॉडर्नाइजेशन देखने को मिली है हमारे नए शहरों में, हमने चीजों को दूर दूर सेपरेट आउट करके बनाना शुरू कर दिया है। गुड़गांव जैसे नए शहर जो है, वहां पे जितने भी ऑफिसेज हैं वो सब एक एरिया में मौजूद है। जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वो 10 किलोमीटर दूर जाकर एक बड़े से एरिया में मौजूद है। शॉपिंग मॉल जाना है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर और दूर जाओ उस डायरेक्शन में। मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमने शहरों को जबरदस्ती इस तरीके से बना दिया है कि लोगों को गाड़ियां इस्तेमाल करनी पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने के लिए, जबकि ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस ने अपना एक नया प्लान बनाया है कि हर मोहल्ले के बीच में वो एक स्कूल बनाएंगे बच्चों के लिए। गाड़ियों की पार्किंग्स हटाकर सड़कों को क्लियर करके गार्डन्स और पार्क्स बनाए जाएंगे। हर इंसान जो शहर में रह रहा है उसके आसपास कोई ना कोई ग्रीन एरिया हो, पार्क्स हो, अच्छे प्लेग्राउंड्स मौजूद हो, स्कूल भी आसपास जाना आसान हो। इमेजिन करके देखो एक शहर कितना सुनहरा बन जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। अभी तक जो सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए वो सारे सप्लाई साइड सॉल्यूशंस थे, जहां पर सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है बदलाव लाने के लिए। अब बात करते हैं डिमांड साइड सॉल्यूशंस की, जहां पर पब्लिक एक्शन ले सकती है, आम लोग मेरे और आपके जैसे एक्शन ले सकते हैं बदलाव लाने के लिए। सबसे पहली और सबसे आसान चीज, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो खुद की गाड़ियों का इस्तेमाल करने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, बसों का, मेट्रो का या ट्रेन्स का। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में बसेस का कंट्रीब्यूशन 33% है, गाड़ियों का 31% है, लेकिन बसेस 58% पैसेंजर्स को कैरी करती हैं और गाड़ियां सिर्फ 4% पैसेंजर्स को। एक बस में 20 गुना ज्यादा पैसेंजर्स कैरी किए जा सकते हैं, स्पेस यहां पर कितनी ज्यादा बचती है। जितना लोग ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे उतना ही सरकार ज्यादा पैसे उसमें स्पेंड करना चाहेगी उसे बेहतर बनाने के लिए। दूसरा, अगर आपके लिए साइकिल इस्तेमाल करना पॉसिबल है तो साइकिल्स इस्तेमाल कीजिए, और साइकिल्स में अगर पसीने छूट जाते हैं तो ई साइकिल्स या ई स्कूटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, गाड़ियों को लेकर अपना नजरिया बदलिए। इंडिया में अक्सर लोग गाड़ियों को एक सिंबल की तरह देखते हैं, सक्सेस और प्राइड का। लोग शो ऑफ करते हैं कि ये देखो मेरे पास ये गाड़ी है, ये देखो मैं तो ये वाली गाड़ी खरीदने वाला हूँ। कितने प्राउड फील करने की बात है। एक ऐसे लोहे के डब्बे को लेकर आप प्राउड फील कर रहे हैं जिसका काम बस आपको ए टू बी ट्रांसपोर्ट कराना है। वैसे सारी गलती आपकी भी नहीं है अगर आप ऐसा फील करते हैं, क्योंकि ऐसा परसेप्शन बनाया गया है। ये जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं, बार बार अपनी एडवर्टाइजमेंट्स में इन्होंने आपको ये दिखाया है कि आपको प्राउड फील करना चाहिए। ये गाड़ी खरीदना आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन है, आपको इमोशनली बहकाया गया है ऐसा फील करने के लिए। कभी आपने नोटिस किया है कि जो गाड़ियों की एड्स होती हैं, इनमें जब गाड़ियों को शो ऑफ किया जाता है तो कैसे खाली खाली लोकेशंस पे शो ऑफ किया जाता है कि पहाड़ों में गाड़ियां चल रही हैं, कैसे आप शीशे नीचे करके साफ हवा में गाड़ी चला रहे हैं जंगलों के बीचों बीच। कितना सुनहरा एक्सपीरियंस है एक गाड़ी को ओन करना और गाड़ी चलाना। लेकिन असलियत क्या है, 99% ऑफ द टाइम आप जब ये नई नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं और इस गाड़ी को चलाते हैं तो शीशा आपका ऊपर होता है, दूसरी गाड़ियों का धुआं आप खा रहे होते हैं और ट्रैफिक जैम में फंसे हुए होते हैं। लेकिन ये गाड़ी बनाने वाली कंपनीज कभी आपको ऐसी ऐड नहीं दिखाएंगी, अगर दिखाने लग गई तो कोई गाड़ियां नहीं खरीदेगा। बात क्या है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं गाड़ी खरीदना, अगर गाड़ी का आपकी जिंदगी में इतना कोई बड़ा यूज नहीं है, सिर्फ एक महीने में 3-4 बार उसे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए बहतर यही है कि कोई गाड़ी आप ना खरीदें और उन 3-4 केसेस में टैक्सीज का इस्तेमाल कर लें। इससे आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा और झंझट भी बचेगी। और फाइनली आखिरी सॉल्यूशन है कि इन प्रॉब्लम्स को लेकर ज्यादा बात करी जाए, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए।
जो कि आप कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उनको भी इन इश्यूज के बारे में पता चले। जितना ज्यादा लोग इन इश्यूज की बात करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ेगा कि सरकार भी एक्शन ले इन प्रॉब्लम से रिलेटेड। मेरी पर्सनल राय अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करता हूं जहां पर शहरों के अंदर गाड़ियां बैंड हो, गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक या किसी गांव तक ट्रैवल करने के लिए, जहां पर बाकी और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके पॉसिबल ना हो। गाड़ियां वहां पर फिट बैठती हैं जहां पर पॉपुलेशन कम हो, लेकिन शहरों के अंदर जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर बसेस, ट्रेन्स, मेट्रोस, ट्राम्स, साइकिल्स और पैदल चलना और टैक्सीज को ही अलाउ किया जाना चाहिए मेरी राय में। ऐसा फ्यूचर इमेजिन करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं दुनिया में जो इस फ्यूचर के बड़ी करीब बढ़ रहे हैं, और वो शहर दुनिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में से है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नेदरलैंड्स देश के अंदर एम्स्टरडैम का शहर, जिसने ये ट्रांसफॉर्मेशन कई साल पहले ही शुरू कर दिया था। उसकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैंने इस शहर पर एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई थी, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है ध्रुव राठी और इन्होंने वीडियो बनाई हुई है हाउ कार्स आर डिस्ट्रॉइंग इंडिया एक्सप्लेन बाय ध्रुव राठी। इनके चैनल का, इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके आप लोग इनकी वीडियो को, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इनकी वीडियो को शेयर करें। नो डाउट ये जो प्रॉब्लम, जो रूट कॉज इन्होंने उठाया है ना इस प्रॉब्लम का, वो बिल्कुल सही है यार। मैं बहुत पहले ये चीज़ सोच रहा था, जिस टाइम कोरोना नया नया आया था ना, मैं लोगों को बताता था ये चीज़ कि यार मेरा ऑफिस जहाँ पर है, मैं ऑफिस जाते हुए एक नदी वाले रास्ते से गुजरता था, तो वो नदी पे जहाँ तक नज़रें जाती थी ना, तो वो धुआं धुआं एक हद तक फिर धुआं धुआं नज़र आता था। तो यार मैं परेशान था कि कोरोना के दिनों में जब मैं ऑफिस गया, क्योंकि मेरा ऑफिस कोरोना के दिनों में भी ओपन था, तो जब मैं ऑफिस जा रहा होता था तो मैं देखता था यार मुझे वो ग्रीनरी इतनी दूर दूर तक दिखने लग गई, उसके पीछे पीछे भी इतने सारे घर बने हुए, इतनी फैक्ट्रियाँ, वेयर हाउस, वो सब मुझे नज़र आने लग गए। तो मैंने जाके अपने दोस्तों को बताया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा हुआ, वो लोग भी कह रहे हैं हाँ यार हमने भी इस चीज़ के ऊपर गौर किया। तो मैंने कहा देखो यार पोल्यूशन से इतना फ़र्क पड़ता है, और नो डाउट आज भी पोल्यूशन अगर देखी जाए रोड के ऊपर तो तबाही मचाई हुई है, ट्रैफिक का तो क्या ही कहना है। अगर बात की जाए ट्रैफिक लेंस बढ़ाने से, रोड चौड़े करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, इसका जीता जाता है एग्जाम्पल हमने देखा हुआ है। कराची के अंदर शारा फैसल को बहुत चौड़ा कर दिया उन्होंने, दो दो लाइंस ऐड कर दी उसके अंदर, उसके बावजूद भी ट्रैफिक पे फ़र्क नहीं आया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा लोग और गाड़ियां बाय करेंगे और रोडों पे आ जाएंगे। इसका बेहतरीन हल ध्रुव राठी ने बिल्कुल सही बताया कि कुछ जगहों पे गाड़ियों को आप बैन कर दो, आप पार्किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दो, क्योंकि मैंने ये बात नोट की है गाड़ियाँ सड़ी रही होती हैं खड़ी खड़ी, सबकी पार्किंगों में सड़ी होती हैं। मेरे पास खुद भी जब गाड़ी थी तो मैं कम ही चलाता था, ज़्यादातर मैं बाइक यूज़ करता था या हमने पैदल जाना होता था। उसके अलावा जब भी हमने कहीं यूज़ करनी होती थी, तो शादी में जा रहे हैं या शॉपिंग पे जा रहे हैं या दोस्तों में किसी काम से जा रहे हैं तो गाड़ी पे जा रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करता था। तो ये सबके साथ ही प्रॉब्लम है, गाड़ी ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ी खड़ी रहती है। इसके लिए यही है कि कुछ एरिया में बैन करें और इसके ऊपर जो है टैक्स भी बढ़ा दें, दूसरा उसकी पार्किंग के ऊपर पैसे लगा दें, तीसरा कि सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही करना चाहिए, पब्लिक बसेस चला दें, पब्लिक मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन चला दें, ट्राम्स चला दें, लोकल ट्रेन चला दें। इस तरह के सिस्टम आप चलाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी ऐसा ऐसा अपने जो ना ये ट्रैफिक को कंट्रोल करने में, और लोग भी फिर इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जाहिर सी बात है डेंजर भी है, खर्चा भी ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो लोग इस चीज़ को खुद ही समझ के खुद ही अवॉइड करना शुरू कर देंगे। और मेरे ख्याल से ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें ज़बरदस्त किस्म से एक्सप्लेन किए। आप लोगों को क्या लगता है कि कार्स को बैन करना चाहिए, या आप लोगों के पास कोई दूसरा सलूशन है? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे ही एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।